और वहीं शिमला के जूंगा में 4 दिवसीय पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल चल रहा है। इस पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप में हिमाचल के अलावा विभिन्न प्रदेशों के लगभग 40 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के तीसरे दिन पूर्व WWE रेसलर द ग्रेट खली ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पैराग्लाइडर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही फ्लाइंग फेस्टिवल पर ग्रेट खली ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियों से प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटक हिमाचल प्रदेश की ओर आकर्षित होंगे। इतना ही नहीं बल्कि टूरिज्म के साथ इससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। फ्लाइंग फेस्टिवल एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो है, ये 16 तारीख को शुरू हुआ और ये कल इसका कंक्लूडिंग सेरेमनी है और इसमें 40 से ज्यादा प्रतियोगी जो पायलट्स हैं वो भाग ले रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे करीबन 40 जो स्टॉल्स लगे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टअप्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कैटर करते हैं हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म को। तो ये सब इसमें प्रतिभागी हैं और आज इसका तीसरा दिन है एंड चैंपियनशिप इज स्टिल ऑन। तो बस आई थिंक कल इसका रिजल्ट क्लियर होगा। बस प्राइज आप प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन बस कल होगा, कल कंक्लूडिंग सेशन होगा, नरेश चौहान जी वो प्राइज वितरण करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान की टीम की ओर से हम इस शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल में यहाँ पे आए हैं। जी किस तरह से? जी मैं धन्यवादी हूँ शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर्स का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, हिमाचल प्रदेश सरकार का, जो लगातार निरंतर दूसरे वर्ष इस फेस्टिवल को कायम रख रही है और जारी कर रही है। तो बहुत मजेदार, आप देख सकते हैं जूंगा की वादियों में ये मानव परिंदे आज उड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी फील के साथ बहुत अच्छा एयर शो यहाँ पे देखने को मिल रहा है।